हाल फिलहाल के दिनों में कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं या फिर कुछ ऐसी स्थिति देखी गई है जिसमें कि भू दरार या फिर मंदिरों का टूटना या मंदिरों में दरार देखने को मिली है। इस पूरे जगह को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगले 1000 वर्षों तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो। दरअसल इस जगह को बनाने से पहले ये देखा गया कि यहाँ पे पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है, मतलब जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो पता चला कि पास में सरयू नदी है, उसकी वजह से 4 बार इस मंदिर पे टूट फूट हुई और तमाम तरह की चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये परेशानी आई। अब जाके इस मंदिर की आधारशिला कुछ इस तरीके से तैयार की गई है जिसकी वजह से अगले 1000 साल तक कुछ भी हो जाए मंदिर का बाल बांका नहीं हो सकता। ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ठीक सिंह द्वार के सामने का है और इस पूरे पत्थर पे इस जगह को इसकी आधारशिला बनाई गई है। कहा भी जाता है कि नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना बेहतर होता है और भगवान राम का ये भव्य मंदिर इस भव्य बड़ी नींव पर तैयार हो रही है जिसकी आधारशिला की तस्वीर TV9 आपको दिखा रहा है। हमारे साथ संतोष बोरे जी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। बोरे सर, किस तरह से इस जगह की अगर हम बात करें तो क्या क्या यहाँ की खासियत है? ये पूरा तो गर्भगृह के ऊपर का पूरा गर्भगृह है, मेन गर्भगृह वहाँ पे रहेगा। ये गुड़ मंडप है, वो कीर्तन मंडप है और आगे नृत्य मंडप है। और इन जगहों पर किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे, इसकी कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, यहाँ पर भक्त लोग आएंगे और सबसे पहले दर्शन करेंगे यहाँ पे सब कुछ। मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पर आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। एक बार में कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कितने भक्तजन रुक सकते हैं, ऐसा कुछ आकलन किया गया है या फिर सिर्फ 50,000 का है? 15,000 50,000 तक आ सकते हैं एक बार में। अच्छा, लेकिन 4 घंटा लगेगा उनको यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से पूरा दर्शन करके निकलने में 4 घंटे का समय लगेगा मिनिमम। ओके, ठीक है। तो ये जो पूरा जगह है यहाँ पे तकरीबन जो देखे आपने जो बनाया गया है इसको इस तरह से बनाया गया है ताकि 50,000 तकरीबन जो है लोग जो है यहाँ पाए और पूरे जगह को दर्शन करने में तकरीबन लगभग 4 घंटे का समय लग सकता है ऐसी बताई जा रही है और उस हिसाब से पूरा इंतजाम किया जा रहा है। हमारे साथ BN दास जी मौजूद हैं जो उस वक्त जब मंदिर का ढांचा गिरा था तब मौजूद थे और बाकायदा उसके प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। BN दास जी, आप तो पुराने मंदिर के भी गवाह रहे और नया मंदिर भी आपके सामने बन रहा है, कितना अंतर दिख रहा है? बहुत बड़ा अंतर है। उस समय मंदिर जैसा वहाँ लुक नहीं था, उस समय तो मस्जिद जैसा दिखता था, नीचे मंदिर था, रामलला विराजमान थे इसीलिए मंदिर था। अब तो ये फुल फ्लैज जैसे मंदिर होता है, भव्य मंदिर ऐसे बन रहा, तो उसका इससे कोई मुकाबला नहीं, असली मंदिर तो यही लग रहा है। जो बनाया जा रहा है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, वास्तु और सब तमाम तरह की चीज़ों को? अब जो बातें हैं इनके ट्रस्ट के द्वारा जो बताई जाती हैं उसके मुताबिक तो ये काफ़ी मजबूत, करीब 4-5 हज़ार साल तक ये मजबूती इसकी बनी रहे उसको आधार मान के ये निर्माण हो रहा है। और ये डिजाइनिंग, ये सारा खाका तो बहुत पहले से बना हुआ था कि पत्थरों पे कैसी डिजाइन होगी, कैसे इसका तकनीक क्या होगी इसको जोड़ने की, हैं पास होल बना के जोड़ा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें तो इनका वेल प्लान्ड है, कार्यक्रम उसी हिसाब से बन रहा है। अभी जो आपको कुछ ऐसी लग रही है कि समय से पूरा हो पाएगा ये, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, ये इनको बना देना ही है, उसमें दो राय नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास जानकारी है ये 10 महीना में ये बन के पूरा कर देंगे। उनका टारगेट 10 अक्टूबर महीना तक है, अक्टूबर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 2-3 महीना ये प्लानिंग करेंगे कैसे रामलला को विराजमान करें, उसका प्रोग्राम क्या हो, लाखों की भीड़ आएगी तो उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, वो प्लान क्या होगा, सुरक्षा क्या होगी, वो 2-3 महीना इनका पूरी वो तैयारी में लग जाएगा और जो खामियां होंगी उसको भी ठीक करेंगे। अभी जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से अक्टूबर तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा? ये इन्हीं का कहना है, अक्टूबर तक हम बना देंगे इसको, निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा कर देंगे। और हमको लगता है जिस तरीके से काम हो रहा है रातों दिन तो ये पूरा कर देंगे। कितने लोग एक साथ यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, आ सकते हैं इस परिसर में, ऐसा कुछ? अब इन्होंने जो प्लान बनाया 25,000 का आगे बना रहे हैं, 25,000 एंट्री पॉइंट पे यात्री एक सुविधा केंद्र बनाएंगे, उसमें 25,000 यात्रियों को ये एक साथ उसमें एंट्री देंगे और फिर उसमें से धीरे धीरे करके लोग दर्शन कर लिया। तो 25,000 तो इनका बेसिक आज है ही, लेकिन और बढ़ा रहे हैं, 1 लाख तक इनका है टारगेट। उस समय के दृश्य को याद करके किस तरीके से आप अनुभव करते हैं? भाई, उस समय का दृश्य तो आंदोलन का था, इस समय कंस्ट्रक्शन का है। लक्ष्य क्या था कि ढांचे को गिरा देना है, अब है कि ढांचे को खड़ा करना है, यही अंतर है। तो ढांचे को गिराने से लेकर ढांचे के बनने तक की कहानी और दास साहब मौजूद हैं और पूरे
कह रहे हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे सुरक्षा होगी, और सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है नींव का। नींव का निर्माण हो चुका है, अब ऐसे में जो पिलर्स होंगे उस पर जो है तैयारियाँ चल रही हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी पिलर्स होंगे उन पिलर्स पे भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी, और इन भगवान की मूर्तियों में तकरीबन 7,000 मूर्तियां होंगी। अपना समय दे दिया ना उसने, अपना सब बनाया जाए इसके लिए सरकार की तलाश हो रही है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम सर, सीएम सर, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। मसलन अगर हम सामने में आपको दिखाने की कोशिश करें, सर अभी देखो मैं तो जब भी डिप्टी सीएम सर से मिलता हूं या सीएम से, तो सबसे तो बस एक ही बात होती है कि खंभे दिख रहे हैं, उन खंभों को एक बार मिलते हैं तो पूछते हैं कि रवि हम क्या और क्या कर सकते हैं जो हमारे खिलाड़ियों जो परफॉर्मेंस है वो मूर्तियां बनाई सबसे ऊंचे लेवल की हो। बहुत ही तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो हमारी टीम है वो बहुत जोशीली और भगवान की मूर्ति पॉजिटिव है इसको, और मैं खुद को इतना भाग्यशाली मानता हूं कि मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूं। कि चूंकि ये राम जन्मभूमि है इसलिए मैं सीएम सर और आप सबका भगवान की मूर्ति होनी चाहिए वह होनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि देखो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हैं, अभी तो बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे भी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अभी बहुत ही एशियन गेम्स शायद इस साल करवाएंगे, कौन सा पत्थर इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके साथ साथ रुड़की इस बात का, तो मैं बस आपसे बस यही कहूंगा कि आप सब अपना आशीर्वाद रखें और पॉजिटिव रहकर टीम के साथ काम करते रहे। उस पे सूर्य की किरण पहुंचे और सीधा भगवान का सूर्य की 2024 में ओलंपिक्स आएगा तो वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, भगवान की मूर्ति लगाई जाए। आप सबकी दुआएं चाहिए बस आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऊंचाई से भगवान को जब स्थापित किया जाए भगवान राम की मूर्ति को, तो उस मूर्ति पे रामलला के ऊपर सीधे जो है सूर्य किरण जो है पहुंचे, तो इस तरह के तमाम तरह के तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर के पूरे चारों ओर चार मंदिर बनाए जाएंगे जिसमें गणपति, शंकर, भगवती और इस तरह के जो है चारों कोने पर मंदिर बनाए जाएंगे, और इसके साथ ही अन्नपूर्णा और दूसरे देवी देवताओं की भी यहाँ पे मूर्तियां लगाई जाएंगी। कैमरा सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9 अयोध्या।